आप ब्राइट इंसाइडर पीके देख रहे हैं। बसों में बैठकर मुसाफिर मंजिलों पर पहुंचने के बजाय सैलाब की लहरों की नज़र हो गए। लकड़ियों का ऐसा रेला आया कि अपने साथी की जान बचाते बचाते खुद भी जान से हाथ धो बैठा। मवेशी बिफरी लहरों में कागज की तरह बहने लगे। सरों पे छत न रही, आंखों के सामने आशियाने उजड़ रहे हैं। जैसे कुदरत सख्त नाराज है, जैसे अल्लाह की जात गजबनाक है। न शहर बचे न देहात, न पुल बचे न गांव बाकी रहे। पहाड़ों से पानी ऐसा उबला जैसे पहाड़ों का सीना। पत्थर पे चढ़ा हुआ खानदान जिंदगी की उम्मीद लगाए हुए था। अचानक एक बिफरी लहर ने उनको आ लिया और अपने साथ बहा कर ले गई। हर शख्स मौत को सामने देख रहा था, अपना खानदान जान और माल बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बड़े बड़े हैबतनाक पुल पानी के आगे बेबसी का रोना रो रहे थे, सुतून कांप रहे थे। कहीं गरीबों के घर महज अमीरों की फसलें बचाने के लिए डुबोए जा रहे थे, और कहीं हनीमून होटल जैसी बुलंदो बाला इमारत का गिरना बता रहा था ये दुनिया आरजी है, इसकी शान इसकी शौकत आरजी है, इसके मोहल्लात इसका जाहो जलाल इसकी दौलत इसकी ऐशो इशरत सब आरजी है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 14,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, और इस सैलाब की वजह से अमवात का सिलसिला थमा नहीं है अभी।